जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में भारत के 71वें संविधान दिवस के अवसर पर जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सेकंड की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में के कमेटी हॉल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश द्वारा संविधान की प्रस्तावना का पाठन एवं मूल कर्तव्यों का शपथ दिलाया गया। संगोष्ठी में जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही देश के संविधान में वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। भारतीय संविधान में सभी वर्गों के हितों के मद्देनज़र विस्तृत प्राविधानों को शामिल किया गया है। इस अवसर पर चेयरमैन अस्थायी लोक अदालत द्वारा अपने संबोधन में कहा कि भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1950 में संविधान अमल में लाया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय व जनपद न्यायालय के समस्त पीठासीन अधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मंत्री व सम्मानित अधिवक्ता तथा कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल कुमार सिंह ने कहा। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय तथा समस्त मंचासीन न्यायिक अधिकारीगण व उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण को भाई जी फादर जी आ जाओ। हाँ हाँ, इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने की एक परिकल्पना को मूल रूप में रखा और अंततः ये पारित हुआ और हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाए। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, संविधान भारत का वो ग्रंथ नाम है, वह मूलभूत कानून की किताब है जिसे हमने स्वयं को आत्मार्पित किया। इसकी जड़ 1946 में ही रख दी गई थी जब यह लगा अंग्रेजों को कि वस्तुतः अब हम भारत पर बहुत ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 से हम शासित थे। 46 के बाद हम इसे 49 में स्वयं को आत्मार्पित करने की स्थिति में पहुंचे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसी दिन 26 नवंबर 1949 को इसे आत्मार्पित किया हमें। ध्यान दीजिएगा, इसे समर्पित नहीं किया गया, इसे किसी और को डेडिकेट नहीं किया गया, इसे आत्मार्पित किया गया। इस मूलभूत मंशा की ओर आप ध्यान दें, घर के मुखिया को जब घर की चाबी दे दी जाती है और कहा जाता है कि इस घर की सुरक्षा करिए, तो रात के 11 बजे ताला भी दरवाजे के बंद करने की उसकी जिम्मेदारी हो जाती है और सुबह 5:30 बजे दरवाजे खोलने की जिम्मेदारी। इसी तरह इस भारत के संविधान को हमें स्वयं को आत्मार्पित किया गया, एक महती जिम्मेदारी हमारे कंधों पर। अंततः 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से ये लागू हुआ। यह अनेकताओं में एकता का इससे बड़ा मिसाल विश्व में कहीं भी नहीं। 1,45,000 शब्दों के साथ
यह संविधान प्रादुर्भावित हुआ। मूलतः 395 आर्टिकल्स 12 शेड्यूल्स के साथ ये आपके सामने आया और इस संविधान की जो विविधता रही कि यह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के साथ फेडरल स्टेट और रेजिडेंट पावर्स सेंट्रल के साथ रहा, जिससे हमें कार्य करने में निहायत ही सहूलियत हुई। सापेक्षतः कुल 4400 शब्दों का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी प्लॉजिबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के फॉर और अगेंस्ट दोनों तरह की बातें आई, लेकिन इसकी एडेप्टेबिलिटी की वजह से ही शायद आज लोकतंत्र खड़ा है और हम इसे कहीं से भी हिलने की स्थिति में नहीं पाते। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 26/11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो संविधान को आत्मसात करने की तारीख हो या पिछले 26/11 हमले की तारीख हो, हमें हर हाल में संविधान मूल्यों के अंतर्गत अपना कार्य करना है। और कोरोना महाकाल में भी जैसा कि हमारे न्यायमूर्ति महोदय ने ये कहा है कि हमें इस महामारी के दौरान भी अपने संवैधानिक दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से अनुपालन करना है, उसी के अंतर्गत में ये मैं प्रस्तावना पढ़ूंगा, आप सभी लोग इसको दोहराएंगे और शपथ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रम एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हाँ, इसी के साथ ये भारत का संविधान जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको उसको दोहराएंगे। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्र ज्ञान का आदर करें। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन
नील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। जो माता पिता या संरक्षक हैं या जैसी भी स्थिति हो, 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच का प्रतिपाल्य है, शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का अवसर मिला है। नहीं, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कार्यक्रम को मनाने के लिए आज यहाँ पे इस दीवानी नाली परिषद के प्रांगण में माननीय जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में संविधान दिवस मनाया गया। इस संविधान दिवस में यहाँ उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा अन्य जो स्टाफ यहाँ उपलब्ध हैं, उनको भारत की प्रस्तावना तथा मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलाई गई। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पूरे दिन जिला कारागार तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में आज संविधान दिवस मनाया जाएगा। जानकारी भी दी गई है? नहीं, बिल्कुल, इसमें जो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उसके बारे में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सबको शपथ दिलाया है और इन्होंने बताया है कि इस चीज़ को हमें आत्मार्पित करना है, हमको इसको अपने दैनिक जीवन में इसको आत्मसात करना है तथा संविधान के महत्व को बताना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको जाने और देश का विकास हो।